तो आप सबका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12715 सचखंड एक्सप्रेस। तो ये है सचखंड एक्सप्रेस का पार्ट 11। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने पार्ट 11 को और बढ़ते हैं आगे अपने इटारसी जंक्शन की तरफ। जो इटारसी जंक्शन है यहाँ से है तकरीबन 86.8 किलोमीटर लेफ्ट। तो बढ़ते हैं आगे। तो जिन्होंने आगे के 10 पार्ट नहीं देखे उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और जिन्होंने नहीं देखे ये पार्ट तो उनको थोड़े रिकैप दे देता हूँ। आज जो हमारे पास जो लोकोमोटिव है वो है गाजियाबाद सिरका W21 लोकोमोटिव HOGNL लोकोमोटिव है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो हमें मेंटेन करनी है अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट। और जो हमारी ट्रेन है वो पता नहीं क्यों ऑटोपायलट चला रहे हैं, तो ज़रा अपने खुद से कंट्रोल में लेते हैं अपने ट्रेन को। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर देना सब्सक्राइब करने के बाद। तो बाकी में कोई बॉक्सर चल दूसरे में फ्लाइट ट्रेन हमें क्रॉस दी है अभी विथ WAG9 लोकोमोटिव। तो WAG9 लोकोमोटिव के साथ BCL फ्राइट ट्रेन अभी हमें क्रॉस दिया है। तो बढ़ते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। तो 100 किलोमीटर पर आवर की आजूबाजू जो हम फिलहाल तो अभी स्पीड मेंटेन करेंगे। और अभी जो हमारी ट्रेन है वो 0.5% क्लाइम कर रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो हमारी ट्रेन है वो अभी फिलहाल 0.5% हो गया 0.5%। अब देखते हैं कोई स्टेशन पर भी हम स्पीड पाने वाले। तो ये है हिरानगी स्टेशन और कोई एलिफाइड एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेन पर भी हम ओवरटेक कर रहे हैं और लगा देते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही बढ़िया स्पीड में जो हमने ये स्टेशन को ओवरटेक मारा है। तो चलो बढ़ते हैं आगे फटाफट से इटारसी स्टेशन की तरफ। देखते हैं हम नेक्स्ट अपकमिंग जो स्टेशन है वो कौन सा रहने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि आगे मैं अभी कमेंट पढ़ना चालू करता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। पहले इंटरव्यू इंटरव्यू हो जाए उसके बाद हम चलो अब थोड़ा अपनी कमेंट पढ़ना चालू करते हैं। तो चलो आज का जो पहला कमेंट है, सामने से कोई ट्रेन आ गई, चलो पहले ट्रेन को देख लेते हैं। ये 1214 हजरत निजामुद्दीन CSMT कोल्हापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस विथ गाजियाबाद W21 लोकोमोटिव। तो चलो थोड़ा पार मैंने डिक्रीज किया है अभी, तो क्योंकि जो हमारे ट्रेन की स्पीड है वो अराउंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए मैंने थोड़ा अपनी स्पीड को रिड्यूस किया है। तो आज का पहला कमेंट है रेलवे ग्रामर का, एडिटिंग करने में आपको कितना टाइम लगता है। तो एडिटिंग करने में आप समझ लो मेरे को आधे घंटे में एडिटिंग हो जाती है, और आपको पता ही होगा मैं आईफोन से एडिटिंग करता हूँ। तो आईफोन में तो जो आई मूवी सॉफ्टवेयर होता है वो कितना वेल अपना ऑप्टिमाइज होता है, तो रेंडरिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो बहुत ही बढ़िया है। उससे मैं एडिटिंग करता हूँ तो रेंडरिंग भी बहुत ही जल्दी हो जाता है, अराउंड 30 मिनट में मैं एडिटिंग का काम कर लेता हूँ, और तो थोड़ी देर में रेंडरिंग भी हो जाता है। और उसके बाद उन्हीं का एक सवाल है कैन वी मेक एक्ट विदाउट ओपन रेंस। तो चलो ये स्टेशन को स्किप मार लेते हैं। मासन गांव स्टेशन है, फटाफट से स्किप मारते हैं मासन गांव स्टेशन को, लगाते हैं अपने ट्रेन को मासन गांव स्टेशन पे से। तो रेलवे गोमा जी बोल रहे कैन यू मेक एक्ट विदाउट ओपन रेंस। नहीं,
ओपन रेंज में और एक बनाने में कोई हमें नाता नहीं है ओपन रेंज का। अगर आप ऐड बनाने हैं तो वो सिर्फ बनेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट एडिटर एंड टूल्स में ही बनेंगे आपको। अगर ऐड बनाने हो आप ओपन रेंज में नहीं बना सकते ऐड को। हाँ टेट में था तो बना सकते हो, बाकी पूरा ऐड तो आपको माइक्रोसॉफ्ट रेंज सिमुलेटर में ही बनाना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट एडिटर एंड टूल्स में ही बनाना पड़ेगा। और ओपोजिट लाइन पे गुड से डिसेबल क्राइट विद द गुड डब्ल्यू जी फाइव लोकोमोटिव हमें क्रॉस दे रही है बहुत ही ब्रेस्ट स्पीड में। नेक्स्ट नेक्स्ट कमेंट है साउंड जी का, वो बोल रहे हैं कि अमेजिंग वीडियो जस्ट और फ्रेम पासिंग थ्रू कैन वी बी योर यूट्यूब फ्रेंड। तो नो, मैं किसी भी ऐसे इंसान से यूट्यूब फ्रेंड नहीं बनना चाहूँगा कि मैं जिसे जानता नहीं हूँ, क्योंकि तो आप आपकी भी अगर चैनल पे ऐसे कमेंट आते हो तो सावधान हो जाना, क्योंकि ये लोग क्या है कि आपसे दोस्ती करेंगे उसके बाद आपके जो चैनल है उसका कुछ लिंक विंक भेज के आपके चैनल को हैक कर लेंगे। तो अगर आपको ऐसे मैसेज आते हैं तो उससे बच के रहना। आप अगर किसी को जानते हो या बहुत टाइम से अगर आप उसको जानते हो यूट्यूब पे है और आप भी यूट्यूब पे है तो उससे दोस्ती करना। तो उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है कि राजेंद्र पटाने जी का, सचखंड एक्सप्रेस वीडियो बनाने के लिए थैंक यू भाई। अभी लॉकडाउन चालू है तो सब पैसेंजर ट्रेन बंद है, ट्रेन में चालू ट्रेन बंद है, ट्रेन चालू टू ट्रेन में वीडियो बनाओ। तो ट्रेन बंद है आई थिंक इनको बोलने का मतलब ये है कि लॉकडाउन है तो सब ट्रेन बंद है पर तुम ट्रेन चालू रखो अपनी। तो आई थिंक इनसे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। उसके बाद क्या लिखा है उन्होंने पता नहीं, रेडमी लैपटॉप की पिलानी चाहिए, ये आई डोंट नो आई लर्न उन्होंने क्या लिखा है। तो इसका तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। मीटिया का मीटिया ना कल चाय ट्रेन हमें क्रॉस दे रहे हैं विथ डब्ल्यू जी फाइव लोकोमोटिव, बहुत बड़ा स्पीड में डब्ल्यू जी फाइव लोकोमोटिव विथ मीटिया ना कल चाय ट्रेन पलास में स्टेशन है जिससे हम स्पीड मारने वाले हैं। अच्छी खासी स्पीड है जो है हमने ग्रेन कर ली और 0.4 किलोमीटर के बाद हमें रेड सिग्नल दिख रहा है। तो थोड़ा हम अपना टोटल है उसको ज़्यादा ओपन नहीं करेंगे, अराउंड 30% तक ही ओपन रखते हैं। पलास में स्टेशन को हमने स्किप मारा तो उनका ही एक नीचे कमेंट है। तो वो बोल रहे हैं कि गोस्ट ट्रेन की वीडियो बनाओ, नागपुर से भूसाल बनाओ। तो भाई मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं है और जो मेरी ऑडियंस है अराउंड जो मेनली वो छोटे बच्चे भी देखते हैं और 13 से 17 साल के लोग जो लोग होते हैं वो ज़्यादा देखते हैं और मेनली भी बच्चे भी कुछ ज़्यादा देखते हैं। तो अगर मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो व्यूज़ तो अच्छे आएंगे पर उसमें क्या होगा कि जो मेरे वो व्यूअर है उन पर एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट जाएगा तो उसकी वजह से मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगा। व्यू भले ही मिल जाए पर ऑडियंस को ठीक है नहीं। 1 2 7 8 6 अजर निजामुद्दीन मैसूर, अजर निजामुद्दीन मैसूर स्वर्ण जयंती सुपरकास्ट एक्सप्रेस फिट है डब्ल्यू पी सेवन लोग हमें क्रॉस दे रही है। और ये भाई भी कोई है ये ट्रेन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं हजरत निजामुद्दीन में स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, तो बहुत ही जल्द वो भी बनाएंगे हम। तो गोस्ट ट्रेन चलाने में कोई हमें ये नहीं है पर जो हमारे जो छोटे एज के व्यूअर हैं उनके लिए थोड़ा क्या है कि नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है तो मैं नहीं बनाऊंगा वो वीडियो क्योंकि उसके व्यूज भले ही बहुत ही अच्छे आ जाएंगे, मुझे पता है कि वो वीडियो पे बहुत ही अच्छे व्यू आ जाएंगे पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो नेगेटिव एक इम्पैक्ट जाएगा जो मेरे व्यूअर है और छोटे एज के उन पर। तो नेक्स्ट कमेंट है हमारे टेक्निकल साद एस ट्रिक, तो उन्होंने क्या बोला है वो मुझे भी समझ नहीं आया। ब्रो हाउ डिड यू हैव एड
कोचिस प्लीज, तो आप क्या बोलना चाह रहे हो वो मुझे समझ नहीं। आप साफ साफ लिखना कि आपको कहाँ पे जो कोचिस है वो ऐड करने, अगर आपको एक्टिविटी में कोचिस यूज करना ऐड करने हैं तो क्या करना होगा आपको। माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सिमुलेटर में जाके कॉन्सिस्ट बनाना पड़ेगा, तब आप ऐड कर सकते हो। और अगर आपको अपने ओपन डिस्क में यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सिमुलेटर में कोच डालने हैं तो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। सामने से कोई ACC सिमुलेटर की रेक आ रही है विथ WG9 लोकोमोटिव, बहुत ही बड़े स्पीड में बहुत ही बड़ा कर्व लेके आ रही है ये रेड लाइन के साथ। दूसरी अलग फ्लाइट विथ WG9 लोकोमोटिव तो खींच ही लिया था ये बीसी वाले फ्राइट ट्रेन ने हमको। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सिमुलेटर में अपने कोचेस डालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कोच डाउनलोड है तो उसको ट्रेन अपने ट्रेस में जो माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सिमुलेटर जो जहाँ रूम आपका इंस्टॉल होगा वहाँ पे एक बार जाना, और वहाँ पे एक फोल्डर होगा कि अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है तो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट 10 स्टेशन को हम अप्रोच करने वाले हैं तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट आगे दी हुई है, पर मुझे नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी जो है वो ब्रेक्स लगा पाएंगे। तो थोड़ी सी ओवर स्पीड होने वाली है यहाँ पर हरदा स्टेशन पर। तो चलो जो हमारी स्पीड है वो बराबर से आ चुकी है, तो हरदा स्टेशन पे हम अप्रोच करने वाले हैं। हॉर्न बजाते हैं तो टेक्निकल साहब जी, अगर आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट एंड ट्रेन सिमुलेटर में डालने हैं ये कुछ इस, तो माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सिमुलेटर की जो डायरेक्टरी है वहाँ पे जाओ एक बार, और वहाँ पे आपको ट्रेंस नाम का फोल्डर दिखेगा। ट्रेंस नाम के फोल्डर को खोलो और वहाँ पे आपको क्या है कि वहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखेगा उसके अंदर ट्रेंस के ट्रेंस अपने, तो ट्रेंस रैप में आपको डाल देना है वो फोल्डर। 45 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड लिमिट है वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे हरदा स्टेशन पे। बहुत ही खतरनाक जो ट्रैक साउंड है वो आ रहे हैं, कान फट गए हैं मेरे तो, हेडफोन लगा के आज तो मैं हेडफोन लगा के आज कल मैं बैठा हूँ। तो आज भी मैं सोचा कि चलो सुनते हैं, और ऑपोजिट लाइन पर कोई महामना है अपने लूप लाइन पर खड़ी हुई हजार स्टेशन के, और ये बहुत ही फ्लैट एकदम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हम यहाँ पे हरदा स्टेशन पे को ओवरटेक मारते हैं। और आगे कोई ट्रेन चल रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है जो हमारे आगे चल रही है। तो एंजॉय करते हैं अपने यही वाले जो ट्रैक साउंड है वो। और नेक्स्ट कमेंट है रेलवे गेमर जी का, तो वेब सेवन के ऑनर का वो कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो वेब सेवन के ऑनर को कांटेक्ट तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, और तो किसी से मैं ये नहीं चाहूँगा कि क्या है कि अगर मैं उनका नंबर किसी को दूँ तो वो नहीं चाहेंगे कि मैं उनका नंबर किसी को दूँ। अगर उनका उनका ईमेल मुझे देने को बोलेंगे तो मैं आपको उनका ईमेल दे दूँगा, पर भोपाल नंबर तो नहीं दे पाऊँगा आपको कि क्योंकि उसमें भी उनकी भी कुछ प्राइवेसी है, इसकी वजह से मैं आपको मोबाइल नंबर नहीं दे पाऊँगा। मैंने तो व्हाट्सएप पे उनके साथ बात होती रहती है, मिस्टर प्रतीक अवध जी है तो उनसे बात होती रहती है। तो अगर ईमेल होगा तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगा ईमेल। चलो अब थोड़ी 110 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड लिमिट है वो मिल चुकी है, तो मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा फिर आपको। अगर ईमेल हुआ तो मैं दे दूंगा, बाकी मोबाइल नंबर तो नहीं दे पाऊंगा आपको। तो आपको वीडियो को एडिट करने में ये तो मेरा आपका पढ़ लिया,
नेक्स्ट हमारा कमेंट है अंकुश मछिया जी का, ब्रो जब स्टेशन आता है उन्हें हॉर्न नहीं बजाते हो तो भाई मैं जितना हो सकता है वो उतना करने की कोशिश करता हूँ, कई बार मैं भूल भी जाता हूँ तो थोड़ा सा इग्नोर कर लिया करो क्योंकि कमेंट के साथ एक बार गेम प्ले बनाना बहुत ही टफ है, तो ये आपको थोड़ा एडजस्ट कर लो तो अच्छी बात है। रिप्लाई वाली रियल वाली फिर आपका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक भी है तो मैं थोड़ा इग्नोर करके पढ़ लेता हूँ, रियल वाली फीलिंग नहीं आती, उससे ज़्यादा ध्यान दो हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग पर। ओके वॉइस रिकॉर्डिंग तो अब धीरे धीरे अब इम्प्रूव हो जाएगी, आज की वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी अमेजिंग वीडियो, बट बहुत तो थोड़ा सी कमी है बिकॉज आपका ट्रैक साउंड कमेंट की वजह से सुनाई नहीं दे रहा है और ट्रैक साउंड, और यहाँ वॉच लाइन पे कोई ट्रेन आ चुकी है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है, ज़रा देखते हैं, बहुत ही बड़े स्पीड में आ रही है, देखते हैं ये हबीबगंज मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस विथ WAP4 लोकोमोटिव बहुत ही बड़े स्पीड में हमें क्रॉस दे रही है। तो चलो नेक्स्ट कमेंट हम पढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट कमेंट किसका है, रोहित लालास का है, सर PC मोबाइल में नहीं चल सकता क्या ये कन्वर्ट करके? तो नहीं, अभी तो फिलहाल कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं बना है दुनिया में, अगर आप सबसे महंगा मोबाइल भी लोगे अभी जो मार्केट में अवेलेबल है तो भी ये गेम नहीं चला सकता वो मोबाइल, तो मोबाइल पे यार खेलना मत पूछो कि मोबाइल पे चलेगा नहीं चलेगा ये गेम। तो अंकुश मच्छर जी बोल रहे हैं कि भाई ज़्यादा हाइपर मत हो, गुस्सा क्यों करना, खाली चुनौती मत दो, कैसे लोग हैं देश में कुछ बातें अच्छे से समझा करो। तो भाई एक बात बोलो कि एक कम्युनिटी है हमारी, उन्होंने ये पुष्पक एक्सप्रेस के पार्ट 2 में कमेंट किया है, तो भाई ये हमारी कम्युनिटी है और कम्युनिटी में से मैं देख रहा हूँ कि जो एक आदमी है वो उसके लास्ट 2 वीडियो से हेट फैला रहा है, एक तो वो बोला कि जो दूसरे चैनल के व्यूअर है वो प्राइवेसी करते हैं, और इसके आगे क्रेडिट देने वाली बात थी कि दूसरे यूट्यूबर जो है वो सबके ऐप खेलते हैं और ऐप मेकर को क्रेडिट नहीं देते, तो ये गलत बात है, मैंने जितने भी देखा है उन सब क्रेडिट देते हैं, कोई कोई नहीं देता होगा, पर उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना देखो यार, जिसे हमें फ्लाइट ट्रेन विथ WAG5 लोकोमोटिव, तो तुम जरा तो तुम अपनी चैनल का देख के बैठे रहो, हेट ना मत फैलाओ यार चारखेड़ा स्टेशन पे, इससे यार कम्युनिटी ऐसे भी बहुत ही छोटी है और कम्युनिटी को अगर ग्रो करना है तो आप अपना जो नेगेटिव है विटी है वो मत फैलाओ, और कमेंट्री में जरा आप जो भी लोग हो मैं आपको बता देता हूँ कि कमेंट्री में आप बहुत ही जो है वो चीप वर्ड्स यूज़ करते हो तो वो मत करो, क्योंकि तो जो हमारे ये गेम है वो उसमें बहुत सारे जो छोटे बच्चे वो देखते हैं, तो यार मत करना ये चीज़, कम्युनिटी के लिए अच्छा है कि अगर कम्युनिटी ही ग्रो नहीं हुई तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो प्लीज़ ये मत करना। तो अब नेक्स्ट कमेंट है हमारा सिंधिया राजधानी पे Part 1 विशाल सिंह जी है कि ओवर स्पीड मत किया कर, वो बोल रहे हैं कि भाई तो आप समझ लो कि रेल इंडिया रूट है तो उसमें तो ओवर स्पीड होगी ही, और मैं नहीं चाहता कि जो एक्ट है उसमें हमारी जो ट्रेन है वो लेट हो जाए और हम अपना जो ट्रैफिक है वो मिस कर दें, और बक्सर लेते फ्लाइट ट्रेन विथ WAG9 लोकोमोटिव, बॉक्सर नेचल फ्लाइट ट्रेन विथ WAG9 लोकोमोटिव बहुत ही बढ़िया स्पीड में हमें क्रॉस दे रही है, काफ़ी बढ़िया स्पीड में जा रही है बॉक्सर नेचल फ्लाइट ट्रेन।
नेक्स्ट और ओवर स्पीड मत, तो रेल का रूट है तो ओवर स्पीड होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही जो अपने आप को बहुत ही हार्ड तरीके से मनाया रेल इंडिया रूट खेलने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है कि मैं रेल इंडिया रूट खेलता ही नहीं हूँ, और उसमें के हर एक 2 किलोमीटर के बाद पहले अब 110 की स्पीड लिमिट, 2 किलोमीटर के बाद 80 की स्पीड लिमिट, उसके 2 किलोमीटर के बाद 130 की स्पीड लिमिट, तो वो नहीं होगा। अगर आपको रेल इंडिया रूट मैंने खेला है तो उसमें ओवर स्पीड करूँगा ही, क्योंकि मैंने देखा है कि जो रेल इंडिया रूट है उसमें बहुत ही ट्रेन लेट हो जाती है, वो इसी वजह से होती है, वो सब ट्रेन लेट होती है और फिर उसके बाद ट्रैफिक जो है वो मिस हो जाता है, तो ओवर स्पीड तो होगी अपने जब जो भी मैं एक्ट करूँगा रेल इंडिया में, उसमें जोधपुर बांद्रा सूर्य नगरी एक्सप्रेस बनाओ, ऐसा जय स्वादागर जी बोल रहे हैं कि जोधपुर बांद्रा टर्मिनस सूर्य नगरी एक्सप्रेस बनाओ, तो बनाते हैं। आई थिंक आप समझ लो कि वो एक मैंने बनाना भी चालू कर दिया है जोधपुर बांद्रा सूर्य नगरी एक्सप्रेस का, थोड़े ही दिन में आपको मिल जाएगा वो एक्ट। और रूट एक्ट है अपना बांद्रा से लेकर से अपने सूर्य स्टेशन तक वेस्टर्न बे तक, वेस्टर्न बे रूट रहेगा और वो आपको एक्ट मिल जाएगा। अगर मेरे व्यूवर्स को खेलना है तो उनके लिए मैं tension.com पे डाल दूँगा वो एक्ट। रोहन नायक जी बोल रहे हैं कि ट्रैक का साउंड थोड़ा इंक्रीज करो, और सामने से ट्रेन आ रही है 20904 वाराणसी वड़ोदरा महामना एक्सप्रेस विथ वड़ोदरा से WAP5 और अमूल शेर का WAP5 लिवरी थी, जैसा कि आपने देखा कि अमूल शेर के WAP5 लोकोमोटिव के साथ हमें क्रॉस दे रही है विथ अमूल WAP5 वाराणसी वड़ोदरा महामना एक्सप्रेस। तो चलते हैं आगे अपने पैसेंजर में फिर से, अब थोड़ा एक्सलेट कर लेते हैं क्योंकि 4 किलोमीटर तक हमें जो है अच्छा सिग्नल क्लियर है। तो नेक्स्ट कमेंट है संजय सुता जी का, तो वो बोल रहे हैं जो राजस्थान एक्सप्रेस वीडियोस नाइट्स, तो आई थिंक वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने जो रॉयल राजस्थान और बुल्स की वीडियो बनाई थी वो अच्छी है, तो अगर आपने नहीं देखी तो बात चैनल पर जाके देख लो। रॉयल राजस्थान एक्सप्रेस के कोचेस मुझे लेने हैं, आप मुझे बताइए कि कोचेस कैसे ले सकता हूँ। तो भाई ये कोचेस मेरे पास ही नहीं थे रॉयल राजस्थान के, जैसा कि आपने देखा है कि मैंने जो कोचेस यूज़ किए थे वो ICF राजधानी के कोचेस थे, तो आपको तो अभी तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है कोई भी साइड पर रॉयल राजस्थान और बुल्स के कोचेस। तो चलो बढ़ते हैं, अब हमारा जो इटारसी जंक्शन है वो कितना लेफ्ट रह चुका है थोड़ा देख लेते हैं कि जो हमारा इटारसी जंक्शन है वो अब अराउंड 56.2 किलोमीटर लेफ्ट रह चुका है और 10:27 हुए हैं, तो तकरीबन हमें आप समझ लो कि 41 और 42 मिनट में 56 किलोमीटर करने हैं। तो थोड़ी अब एक्सीलेट कर लेते हैं अगले ट्रेन को, क्योंकि 4 किलोमीटर तक तो क्लियर सिग्नल है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं हम। तो थोड़ी स्पीड हमने बढ़ा ली है और अब बढ़ेंगे फटाफट से इटारसी जंक्शन की तरफ, और गुलशन गुडी जी का कमेंट है कि भाई इस एक्टिविटी को इंस्टॉल कर कैसे करना मुझे आ नहीं रहा है, बताओ प्लीज़। तो अगर आप कोई एक्टिविटी को इंस्टॉल करते हो तो वो जो भी रूट की एक्टिविटी है वो रूट में आपको पेश करने का रहता है, जैसे कि आपने कमेंट किया है मेरी
सियालदह राजधानी के पार्ट वन पे। तो अगर आप सियालदह राजधानी की ऐप trainsim.com पे से डाउनलोड करते हो तो आपको अपने trainsim.com पे से डाउनलोड एक बार कर लेना है, या फिर अगर आपके पास हो तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो डायरेक्ट इंस्टॉल। मैं बताता हूँ कैसे करना है। टिंद्रानी स्टेशन है जिसे हम स्किप मारने वाले, टिंद्रानी स्टेशन पे और यहाँ पे देखते हैं कोई ट्रेन को भी हम ओवर करने वाले। बॉक्सर अचल फ्राइड ट्रेन विथ, देखते हैं कौन से लोगों जोड़ी के साथ है। ग्रीन बॉक्सर अचल फ्राइड ट्रेन, तो ग्रीन बॉक्सर अचल फ्राइड ट्रेन को हम एक BLW के साथ BTPL फ्राइड ट्रेन हमें क्रॉस दे रही है टिंद्रानी स्टेशन पे। तो अब बढ़ते आगे। तो जब भी आप, जैसा कि आपने रेल इंडिया रूट के लिए एक्टिविटी डाउनलोड की, तो आपने जहाँ पर भी अपना ट्रेन माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सिम्युलेटर डाला है वहाँ पर एक बार जाओ और देखो कि रूट नाम का फोल्डर होगा, वो रूट नाम के फोल्डर को खोलना है। अगर आपने रेल इंडिया रूट के लिए एक्टिविटी डाउनलोड की है तो रेल इंडिया का फोल्डर खोलो, उसमें से एक्टिविटी पेड सर्विसेज एंड ट्रैफिक फोल्डर को लेके वहाँ पे डाल दो रेल इंडिया रूट में। फिर बैक आ जाओ, मैं जो अपना तुम्हारा गेम इंस्टॉल है वहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे ट्रेंड्स नाम का फोल्डर होगा, तो वहाँ पे अपने जो कॉन्सेप्ट दिए होंगे वो जीप में वो डाल दो, तो आपका जो एक्टिविटी है वो इंस्टॉल हो जाएगी, आप प्ले कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है वो है गौरव मालिक का। अरे वो हावड़ा ब्रिज नहीं था, वो थोड़ा तो जनरल नॉलेज होना चाहिए ना। तो भाई मैंने बोला था आपको, ज़रा मैं आपको बोल देता हूँ कि मैंने वहाँ बोला था कि शायद ये हावड़ा ब्रिज हो सकता है, आप ज़रा जाके सुन लो। मैंने शायद बोला था, मुझे मैंने ये नहीं कहा था कि ये हावड़ा ब्रिज ही है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख लो। और मैं रेल इंडिया रूट नहीं खेलता, तो मुझे पता है कि कोई दम नहीं है वो रूट में, पर बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी सियालदह राजधानी की, इसलिए मैंने सियालदह राजधानी का एक्ट बनाया। जिस रूट पे आप चला रहे हो अगर आप कमेंट ही नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपको लगता है मेरी 99.95% जो व्यूअर है वो सब चाहते हैं कि मैं कमेंट ही करूँ, ठीक है। आपको नहीं सुननी है तो आप आवाज़ बंद कर दो, नॉर्मल सी बात है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए आपने। मेरे में जनरल नॉलेज नहीं है तो आपने तो थोड़ा कॉमन सेंस भी नहीं है। चलो आज के कमेंट यहीं पूरे होते हैं, जिसको थोड़ा रूड रिप्लाई मिला हो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप बराबर वीडियो देख के नहीं आते और मुझे यहाँ पे आके मेरे पर चढ़ते हो। जरा यार वीडियो जाके देखो कि मैंने वहाँ पे बोला था कि शायद ये हम हावड़ा ब्रिज है जो हमारे बाजू में है, और मुझे, मैं रेल इंडिया रूट नहीं खेलता हूँ इसलिए मुझे पता भी नहीं है कि क्या वो कौन सा ब्रिज है और क्या है। मैं ज़्यादातर खांडस रूट ही खेलता हूँ क्योंकि इसमें प्रॉपर मुझे इंफॉर्मेशन है और रूट ऑनर के द्वारा भी मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या वहाँ पे मैंने क्या नया लगा है या कुछ नया आएगा, वहाँ पे अपने व्यूअर को दिखा सकते हो, तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहती है। तो उसकी वजह से मैं सिर्फ खांडस रूट खेलता हूँ, और सबसे बेस्ट खांडस रूट के बाद वेस्टर्न वे रूट बहुत ही बढ़िया बना हुआ मिस्टर रूट राठौर जी है, हाँ उनके ऑनर आई थिंक, पता नहीं मैं भूल गया ऑनर का नाम, यार याद नहीं आ रहा। तो चलते हैं फटाफट से, आई थिंक मीट तो राठौड़ ही है, उनके ऑनर वेस्टर्न वे के सिग्नल मिल चुका है 3 किलोमीटर तक क्लियर। तो फटाफट पहुँचेंगे इटारसी जंक्शन पर, आगे कोई ट्रेन चल रही है।
उसकी वजह से जो है वो हम थोड़ी स्पीड में जर्नी नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे आगे जो कौन सी ट्रेन है जो हमारे आगे चल रही है और हमारा रास्ता रोक रही है। 48.4 किलोमीटर इटारसी जंक्शन लेफ्ट हो चुका है और 11:10 हुए हैं। रात को 10:33 आप देख लें कि 10:33 हुए हैं और 11:10 हुए हमें इटारसी जंक्शन पर पहुँचना है। 42.48.1 किलोमीटर लेफ्ट रह गया है। हमें थोड़ी ब्रेक्स लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि अब येलो सिग्नल पास आ चुका है। तो अगर हमें आगे जाके क्लियरेंस नहीं मिलता तो ज़्यादा हमें ब्रेक्स ना लगाने पड़ेगी। और सामने से कॉन्कॉर्ड 5 ट्रेन हमें क्रॉस दे रही है विथ 2W5 लोकोमोटिव कॉन्कॉर्ड 5 ट्रेन। तो चलो आगे जो ट्रेन चल रही है उसको लूप लाइन पर लिया जा रहा है। अच्छी बात है कि उसको जो है वो टाइम रहते लूप लाइन पर लिया जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा कुछ ट्रॉलिंग हुई नहीं हमारी, तो अच्छी अच्छे से चलेंगे आराम आराम से। और आगे कोई स्टेशन भी आने वाला है, देखते हैं कौन सा स्टेशन है। छिड़गांव स्टेशन, जिसे हम स्किप मारने वाले छिड़गांव स्टेशन को अच्छी खासी स्पीड में मारेंगे। छिड़गांव स्टेशन को स्किप और यहाँ पे हम देखेंगे कि आज की वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है। 31 मिनट की जो वीडियो है वो बन चुकी है। तो अच्छी बात है कि 31 मिनट की वीडियो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। और ये छिड़गांव स्टेशन पे ट्रेन को ओवरटेक मारेंगे या नहीं, इसके बाद वाले स्टेशन पे आई थिंक ओवरटेक होने वाला है तो ट्रेन का। तो देखते हैं आगे कौन सी ट्रेन चल रही है जिसको हम ओवरटेक करने वाले हैं। थोड़ी ब्रेक्स लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि येलो सिग्नल अब पास आने वाला है और आगे की जो ट्रेन है वो लूप लाइन पर जा रही है। तो बस देख लो, ये स्टेशन पर मैंने हॉर्न मारा है, ज़रा ये आप देखना है, क्योंकि मैं कई बार हॉर्न बजाता हूँ तो भी आप बोलते हैं कि हॉर्न नहीं बजाते हैं। और सामने से कोई ट्रेन आ रही है, देखिए कौन सी ट्रेन है। ये है 12630 कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस W84 लोकोमोटिव के साथ कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का हमें क्रॉस दे रही है बहुत बड़ा स्पीड में। तो बहुत ही बड़ा स्पीड में कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में हमने क्रॉस दिया है और धीरे धीरे फिर से हमें ब्रेक लगाने पड़ेंगे। जल्दी से वो ट्रेन लूप लाइन पर चली जाए तो अच्छी बात है। 45.6 किलोमीटर अब इटारसी जंक्शन में लेफ्ट हो चुका है। 45.6 किलोमीटर और ट्रैक साउंड तो बहुत ही खतरनाक आ रही होगी। आई होप कि आपको मेरी जो आवाज़ है वो सही से आ रही होगी। चलो सिग्नल मिल चुके हैं हमें, जस्ट वो ट्रेन क्लियर कर देगी हमारा रास्ता। थोड़ी देर में चलो क्लियर कर दिया है। तो वहाँ पे जो है वो व्हील स्लिप थोड़ा हुआ और देखते हैं व्हील स्लिप अभी भी हो रहा है। उसकी वजह से हम एक्सलेट नहीं कर पाएंगे अपनी ट्रेन को, जरा ब्रेक्स लगा के तो व्हील स्लिप ओवर हो जाए। चलो अब एक्सलेट करते हैं अपनी ट्रेन को फटाफट से हॉर्न बजाते हुए और आगे जो ट्रेन चल रही है उसको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। 33 मिनट की वीडियो है, चलो आज थोड़ी लंबी वीडियो खींच देते हैं। मैक्सिमम डेवलपमेंट स्पीड जो हमारी 100 किलोमीटर पर आवर है वो फॉलो करके वो ट्रेन को ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जब तक हम वो ट्रेन को ओवरटेक करने तक पहुँचते हैं तब तक हमारी ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक होती है या नहीं। आई थिंक नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो ट्रैक में आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो 0.5% अभी क्लाइम कर रही है। उसकी वजह से थोड़ी हमें दिक्कत हो जाएगी ट्रेन को एक्सलेट करने में, पर हम थोड़ा थोड़ा जा रहे और बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो आगे ट्रेन चल रही है उसको ओवरटेक हम कर लें और वो भी अच्छी खासी स्पीड में।
हमने 100% होटल कर दिया। अब बजे हमारे हमजा पगड़ी वाला जी के कुछ उसके साथ बीसीएलए फ्रैक्ट में हमें क्रॉस दे रही है विथ डी डब्ल्यू जी फाइल हमारी विथ बीसीएलए फ्रैक्ट रही डी डब्ल्यू जी फाइल हमारी के साथ बीसीएलए फ्रैक्ट में हमें क्रॉस दे रही है। थोड़ी देर आप सुनो कि हमजा पगड़ी वाला जी को जो कोचिस है उनका साउंड कैसा आता है। चलो ये स्टेशन में उसे क्रॉस करने के बाद ही आपको बताता हूँ कि ये कोचिस के साउंड आप कितने बढ़िया आते हैं। 100 किलोमीटर पर और 20 किलोमीटर फॉलो करेंगे हम होटल को थोड़ा रिलीज कर देंगे 0% और अगाड़ी स्टेशन है जहाँ पर हम ट्रेन को ओवरटेक मार ये है अपनी हाई कैपेसिटी पार्सल वन को हम ओवरटेक मारे देखते हैं हाई कैपेसिटी पार्सल वन किस लोगों के साथ है। तो ये है अपना डब्ल्यू जी नाम लोगों के साथ हाई कैपेसिटी पार्सल वन को हमने ओवरटेक कर दिया। चलो अब हमें अच्छी प्रायोरिटी मिलेगी और अब आपको सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे हमजा पगड़ी वाला जी के इलेक्ट्रीफाइड कोचेस है उनका साउंड। तो एक बार आप सुन लो कि कैसा साउंड वो करते हैं। थोड़ा आवाज़ बढ़ा देता हूँ, थोड़ी देर कमेंट्री नहीं करूँगा ताकि आप जो ट्रैक साउंड है वो एंजॉय कर पाओ। मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपकी? सामने से कोई ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। जरा वापस आते अपने ट्रेन पे पीछे जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रेन है। WAP 7 लोगों मेरे के साथ तो वो चैन के साथ है ये 13201 पटना में ब्लॉक माने टीमर टर्मिनल जनता एक्सप्रेस। तो जनता एक्सप्रेस ने हमें क्रॉस दिया है, बहुत बड़े स्पीड में गई है वो जनता एक्सप्रेस। हम अपने पैसेंजर में आ जाते हैं। ये है अपने खाली स्लिप का डिफॉल्ट ट्रैक साउंड, ये भी आपको थोड़ी देर बाद में सुनाता हूँ फुल वॉल्यूम में। और थोड़ी देर बाद आपको मैं फुल वॉल्यूम में ये साउंड सुनाऊंगा खाली स्लिप का डिफॉल्ट ट्रैक साउंड। तो उधर ये भी बताना कि कैसे लगते हैं, बेस्ट है मुझे तो सबसे बेस्ट लगते हैं खाली स्लिप का डिफॉल्ट ट्रैक साउंड। चलो सुनाता हूँ कि खाली स्लिप का डिफॉल्ट ट्रैक साउंड जो है वो कैसे बजते हैं। जब तक कि नेक्स्ट ट्रेन नहीं आ जाती तब तक मैं आपको सुनाता हूँ खाली स्लिप के डिफॉल्ट ट्रैक साउंड फुल में ऑडियो में फुल में साउंड के साथ। कैसा लगे आपको जो खाली स्लिप का डिफॉल्ट ट्रैक साउंड है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये जो साउंड के ओनर है वो मिस्टर रमेश महाजन जी है जो आपने ट्रैक साउंड सुने अभी अपने पैसेंजर ही आए। तो वो रमेश महाजन की जी के ट्रैक साउंड है जो खाली स्लिप के साथ आते हैं। अगर आपको खाली स्लिप खरीदना चाहे तो आप मिस्टर रमेश महाजन जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो और कोई भी मुझे प्राइस नहीं पूछेगा क्योंकि मैं प्राइस नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये मेरा रूट नहीं है। तो आपको प्राइस उनसे ही पूछना पड़ेगा
मिस्टर रमेश महाजन जी का रूट है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। 45.5 किलोमीटर अब इटारसी जंक्शन लॉक कर चुका है, तो फटाफट पहुँचते हो अब इटारसी जंक्शन की तरफ। वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है जरा देख लेते हैं कि वीडियो हमारी हो चुकी है 40 मिनट की, तो थोड़ी लंबी वीडियो ही सचखंड एक्सपेक्ट में हम बनाते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी हमारी औरंगाबाद स्टेशन से स्टार्ट होकर भोपाल स्टेशन तक आती है, तो अगर आगे के जिसने भी पार्ट नहीं देखे वो देख लें। औरंगाबाद स्टेशन से हमने जर्नी स्टार्ट की थी और अभी तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो ये वीडियो को, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको एक बार प्रेस कर देना, और फिर मैं जब भी कोई नया वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को तो लाइक अभी तक नहीं किया है तो कर ही दो क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, और अभी भी आगे मैं थोड़ी वीडियो को खींचूँगा और देखते हैं कितना खींच पाता है वो भी देखेंगे। एम जी सी टैंकर स्विफ्ट है, WG5 लोकोमोटिव, तो देखते हैं WG5 है, तो वो भी मिसार फिर के WG5 भी लोकोमोटिव भी तो OMGC टैंकर, तो OMGC टैंकर के साथ बहुत बढ़िया कर लेके वो तो चली गई। चलो हम भी आगे देखते हैं क्योंकि कर है इस तरह आप देख लेते हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो हल्का सा कर लेके बढ़ रही है आगे। अब चलो थोड़ा टोटल पावर भी हम बढ़ा देते हैं, 50% के करीब रखते हैं हमारा जो टोटल पावर है उसको। तो बहुत ही ग्रह जो ट्रैक साउंड है वो बहुत ही ग्रह खाले तो डिफॉल्ट ट्रैक साउंड बज रहे हैं, क्योंकि आज तो मैं जो है वो हेडफोन लगा के बैठा हूँ और इटारसी जंक्शन में यहाँ पे 31.1 किलोमीटर लेफ्ट रह गया और इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना है हमें, तो बहुत बढ़िया बात है कि हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया है आज इटारसी जंक्शन पे। 6:10 हो चुके हैं और आपको आज मैं नहीं जानता कि आपको आज टाइम से 8 बजे वीडियो मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि 6:10 हो चुके हैं। विथ रेड लाइन विथ DCLF फ्राइट ट्रेन डूइंग रेड लाइन विथ DCLF फ्राइट ट्रेन हमें क्रॉस दे रही है दानापुरा स्टेशन पे, तो 6:10 जो समझे 10 मिनट हो चुके हैं और अभी तक जो है वो वीडियो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी एडिटिंग बाकी है, एडिटिंग करने के बाद अपलोड भी बाकी है, तो आज तो आपको बहुत ही लेट वीडियो मिलने वाली है मुझे तो ऐसा लगता है। 8 बजे दे पाऊँगा या नहीं, और यहाँ पे कोई फ्राइट ट्रेन को हम ओवरटेक कर रहे हो, देखते हैं कौन से लोग मेरे के साथ है ये फ्राइट ट्रेन, तो ये है डूल आपका लोग मेरे के साथ फ्राइट ट्रेन जिसको हमने ओवरटेक किया, हमें दानापुरा स्टेशन पे आ जाते हैं अपने पैसेंजर व्यू में।
चलो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आगे के जर्नी हमें नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सामने जो ट्रेन आ रही 11140 एट लखनऊ जंक्शन पुणे आज चौथे W4 लोकोमोटिव बहुत बड़ा स्पीड में जा रही है। W4 लोकोमोटिव के साथ लखनऊ पुणे एक्सप्रेस। चलो आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बाजू में जो बेल आइकन आएगा सब्सक्राइब करने के बाद वो भी एक बारी प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।